ओके कैसे है सब फाइन ओके सो कल तक हमने क्या किया था एक्टिविटी है ना कल की क्लास में मस्त एक्टिविटी की थी आपने की वो घर पे सभी ने अपने पेरेंट्स के साथ वेरी गुड सो कल हमने क्या लिया था एक्टिविटी आज हम क्या लेंगे स्टोरी ओके तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ अब वो स्टोरी किसकी है तो वो स्टोरी है एक बॉय की वन बॉय जिसका नाम है यश क्या नाम है उसका यश और मोती अब ये मोती कौन है तो मोती जो है वो यश का पेट डॉग है ओके मोती जो है वो यश का पेट डॉग हाँ तो आज हम उनकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं इन दोनों के फ्रेंडशिप की स्टोरी पढ़ने वाले हैं ओके तो चलो क्या करना है अभी आपको आपको आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना है उसमें से हमें निकालना है पेज नंबर 7 ओके पेज नंबर 7 और स्टोरी है हमारी 1.4 देखो यहाँ पर हेडिंग दी है डार्क लेटर्स में हाँ स्टोरी टाइम यश एंड मोती ओके सो सबसे पहले ये स्टोरी है ओके अब इस स्टोरी को क्या करेंगे हम रीड करेंगे क्या करेंगे रीड करेंगे तो आपको क्या करना है पहले मैं रीड करूंगी फिर मेरे पीछे से आपको रीड करना है ओके बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे से हम रीड करेंगे ओके वर्ड टू वर्ड चलो तो सबसे पहले क्या लीजिए हम स्टोरी का नेम रीड करेंगे सो 1.4 स्टोरी टाइम यश एंड मोती ओके अब यश वॉज हैप्पी यश हैप्पी था हैप्पी मीन्स खुश रहना है ना देखो एच ए डबल पी वाई हैप्पी हैप्पी मीन्स क्या होगा खुश रहना खुश रहना तो यश जो है वो बहुत हैप्पी था अब वो हैप्पी क्यों था तो वो अब हम देखेंगे ओके सो हिज मदर बॉट हिम न्यू शूज ओके उसकी मम्मा ने उसे न्यू शूज बॉट करके दिए थे बॉट ओके बी ओ यू जी एच टी What is the spelling? B-O-U-G-H-T Bought Bought means Kharidna है ना? Kharidna तो यश की मम्मी ने क्या किया था? यश को new shoes bought करके दिए थे खरीद कर दिए थे इसलिए यश जो है वो happy था Okay? Then He woke up Early in the morning. Okay, अब क्या हुआ यश को शूज मिले थे न्यू है ना अब उसको वो शूज पहनने की बहुत ही जल्दी थी हमें भी होती है अगर हमें न्यू ड्रेस मिलेगा पापा ने या मम्मी ने न्यू ड्रेस लाया तो हमें ऐसा लगता है ना कब हम पहनेंगे है ना एक्साइटमेंट रहता है हमको न्यू ड्रेस पहनने का उसी तरह से यश को भी एक्साइटमेंट था इसलिए उसने क्या किया सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग जल्दी जल्दी से उठ गया वो ओके अर्ली मॉर्निंग वो जल्दी जल्दी से उठ गया देखो यहाँ पे दिया हुआ है वेक अप W-A-K-E वेक एंड अप वेक अप मीन्स जागना अर्ली मीन्स जल्दी सुबह मॉर्निंग में वो जल्दी से उठ गया ओके ही वेंट आउट टू लुक एट हिज शूज लुक एट हियर
ओके। और अब उसे लगा कि मैं जल्दी से जाता हूँ और बाहर जाके अपने शूज पहनता हूँ, है ना। जैसे ही वो बाहर गया तो उसने क्या किया, अपने शूज को देखा, देखो यहाँ क्या है, वेंट आउट टू लुक एट हिज शूज, वो अपने शूज को देखने गया, लुक एट मीन्स वो देखने गया। ओह नो ही सेड, क्या किया उसने, उसने किया ओह नो। अब उसने क्यों किया ऐसा, वो बहुत शॉक्ड हो गया और शॉक्ड होने के बाद में किया उसने ओह नो। अब क्या हुआ था, वो तो बहुत एक्साइटमेंट था उसको शूज का, लेकिन जैसे ही उसने बाहर आके देखा वो शॉक हो गया। तो वो शॉक क्यों हो गया अब देखेंगे हम। ओह नो ही क्राइड, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्राइड CRIED क्राइड, बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब वो जोर जोर से क्यों रोने लगा, देयर इज ओनली वन शू हियर। अब पता चला आपको वो क्यों रोने लगा था, क्योंकि जैसे ही उसने बाहर देखा तो क्या देखा कि बाहर उसका एक ही शू नजर आ रहा था उसे, है ना, है कि नहीं। फिर एक शू कहाँ गया था, हमारे टू शूज का पेयर होता है, तो उसका वन शू जो था वो खो गया था, लॉस्ट हो गया था। ओके देन वेयर इज माई अदर शूज, अब वो सोच में पड़ गया कि मेरा अदर शूज कहाँ गया, है ना, और वो रोने लगा। He looked everywhere. फिर क्या किया उसने, हर तरफ वो देखने लगा, अपना शूज ढूंढने लगा, यहाँ ढूंढने लगा, वहां ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं उसका शूज नहीं मिला। ओके देन ही कुडंट फाइंड इट, ही कुडंट फाइंड इट मतलब उसे नहीं मिला, कुडंट। ओके देखो यहाँ दिया हुआ है CULD, ओके ये कुल्ड नहीं है, यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है, इसे कुल्ड नहीं रीड करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, तो हम इसे क्या रीड करते हैं, कुड, कुड। चलो बोलो जल्दी से, कुड क्या है ये, CULD कुड। ओके इसी तरह से WOULD वुड, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है इनका प्रोनाउंसिएशन। ओके नॉट कुड, इट इज द कुड एंड वुड। ओके सो ही कुडंट फाइंड, उसे उसका शूज नहीं मिला। फिर क्या हुआ, ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सोड, वो सीढ़ियों पर बैठ गया, एक साइड में जाके सीढ़ियों पे, स्टेप, स्टेप मीन्स सीढ़ियां, और वहां जाकर वो क्या करने लगा, सोब्ड करने लगा। अब सोब्ड मतलब, सोब्ड मतलब बताओ आप, SOBBED सोब्ड मतलब जोर जोर से रोना और जोर जोर से चिल्लाना, है ना। हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम रोते हैं ना, बहुत दंगा करते हैं, हमारी चीज खो गई, हमको कहाँ गई कहाँ गई, इस तरह से यश जो है वो भी रो रहा था कि मेरा शूज कहाँ गया। ओके अब फिर क्या होता है, देन मोती केम एंड स्टार्टेड वेगिंग हिज टेल। अब वहां क्या होता है, मोती आता है, कौन आता है, मोती। अब मोती कौन है, तो मोती जो है वो यश का पेट डॉग, ये हमने देखा था, मोती कौन है, यश का पेट डॉग। ओके अब जब यश अपनी स्टेप पे बैठकर रो रहा है तब वहां कौन आता है, मोती आता है। अब मोती आकर क्या कर रहे हैं वहां पर, तो मोती बेगिंग ही स्टे, वेगिंग
Wagging means W A double G I N I N G. Wagging. Okay. Wagging his tail. अब tail means सभी को पता है पूछ, है ना? Tail means पूछ और wagging means हिलाना. Wagging means हिलाना. Okay. आपको पता है डॉग देखा है डॉग क्या करता है डॉग एनी टाइम अपनी टेल जो है वो वैग करता रहता है इस तरह से है ना करता है ऑब्जर्व करना है अगर आपने नहीं देखा है तो आज आपको क्या करना है डॉग को ऑब्जर्व करना है उसका टेल जो है वो एनी टाइम वैगिंग करते रहता है और वो जो हिलता है उसे कहते हैं वैगिंग करना ओके तो मोती वहां आया और अपनी टेल जो है वो हिलाने लगा और क्या करने लगा बार्क बार्क मीन्स भौंकने लगा ओके कैसे करता है डॉग आवाज चलो जल्दी से यस भाव भाव है ना हाँ तो वहां पर क्या हुआ वेगिंग से एंड ही बार्क बाव वाव देखने आ दिया है ना वेरी गुड नेक्स्ट यस लुक एट मोती मोती हैव यू सीन माय शूज ओके अब यश ने मोती से पूछा कि मोती क्या तुमने मेरा शू देखा है ना अब जब हम आप बोल रहे होंगे टीचर डॉग कहाँ बात करता है लेकिन वो समझता है हमारी बात को अगर हमारे यहाँ पेट एनिमल होगा अगर हम उससे बोलेंगे बैठो तो वो बैठ जाएंगे है ना हाँ तो वो समझता है अब यश जो है वो अपना फीलिंग शेयर कर रहा था तो उसने पूछा मोती को कि क्या तुमने मेरा शूज देखा है अब मोती क्या कहता है उसके ऊपर बाव बाव मोती बाव मोती ने फिर से बात किया और कहा बाव बाव उसका बाव बाव मीनिंग क्या था उसके बाव बाव के पीछे कि हाँ मैंने देखा है देन एंड रेन टू अ ट्री इन फ्रंट यश फॉलोड मोती फिर क्या हुआ तो मोती बाव बाव किया और वहां से भागने लगा अब वो कहां भागने लगा तो फ्रंट यार्ड है ना फ्रंट यार्ड FRONT फ्रंट मीन्स सामने का और यार्ड मीन्स आंगन यार्ड मीन्स आंगन हमारे घर के सामने होता है ना आंगन हाँ तो उसे क्या कहेंगे हम फ्रंट यार्ड और अगर घर के पीछे होगा तो उसे क्या कहेंगे बैक यार्ड ओके सो मोती कहाँ लेकर गया यश को अपने फ्रंट यार्ड में ओके देन देयर वॉज अ होल अंडर अ ट्री अब उस फ्रंट यार्ड में उस आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था ट्री था और उस ट्री के नीचे एक बड़ा सा होल था क्या था एक बड़ा सा होल था ओके देन यश saw his shoe in the hole और फिर यश ने अपना जो शूज है वो उस होल में देखा A big fat rat had carried it there. A big fat rat. Okay? एक बड़ा सा मोटा सा चूहा क्या कर रहा था उस शू को कैरी कर रहा था कैरी कर रहा था मतलब उस बड़े से होल में वो बड़ा सा मोटा सा चूहा यश के शू को ले जा रहा था ओके फिर क्या किया यश ने यश पिक्ड इट अप यश ने फटाफट वो पकड़ लिया पिक इट कर लिया क्यों कर लिया मतलब क्या हुआ उसने वो फटाक से उसे निकाल लिया उस होल में से ओके सो ये हमारा था वन पेज अभी हमें करना है टर्न
Okay, so turn the page. Now, thank God, he said. जैसे ही यश को शू मिला उसने क्या किया, थैंक गॉड, वो बहुत रिलैक्स हो गया. क्यों? क्योंकि उसे उसका शू वापस मिल गया था. द रैट हैज नॉट निबल माय शू, इट इज इन गुड कंडीशन. अब यश क्या कह रहा है कि रैट ने, है ना, वो जो बड़ा सा मोटा सा चूहा था उसने यश के शू को निबल्ड नहीं किया था. अब निबल्ड, ओके, निबल्ड स्पेलिंग क्या है निबल्ड का? N I डबल B L E D, निबल्ड. रैट क्या करता है? हाँ, उतरता है ना. क्या करता है? उतरता है. तो उस रैट ने यश के शू को निबल्ड नहीं किया था, मीन्स उतरा नहीं था, उसे चबाया नहीं था. और वो जो शू था वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, गुड कंडीशन में था. ओके, देन बाउ बाउ, मोती अग्रीड. फिर से मोती ने क्या किया? बाउ बाउ. इसका मीनिंग क्या हुआ था कि मोती जो है वो अग्री कर रहा है यश के स्टेटमेंट को. ओके, यश ने कहा ना कि चूहे ने मेरा शूज नहीं निबल किया, तो मोती ने भी कहा यस यस, है ना. ओके, देन थैंक यू मोती, सेड यश. ओके, फिर यश ने क्या किया मोती को? थैंक यू कहा. अब क्यों कहा थैंक यू? क्योंकि मोती की वजह से यश को उसका खोया हुआ शू वापस मिल गया था. अब बेटा, आप इस स्टोरी से कौन सा मोरल आपको मिला? क्या होती हमारी स्टोरी कि यश था और यश को क्या दिए थे मम्मी ने? शूज दिए थे. उसमें से एक शू खो गया था और वो खोया हुआ शू उसे किसने ढूंढ के दिया? तो उसके यहाँ जो पेट डॉग था उसने वो शूज ढूंढने में उसकी मदद की. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे यहाँ जो भी पेट एनिमल्स होते हैं, या फिर वो डॉग हो या कैट हो, काउ हो या गोट हो, लेकिन हमें हमारे पेट एनिमल्स की गुड केयर करनी चाहिए. सभी को स्टोरी समझ आई? अब आपको क्या करना है, इस स्टोरी को रीड करना है और उसे नोटबुक में राइट करके रखना है.